हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्यों निविया शाइनिंग स्टार बेस्ट फुटबॉल है मार्केट में। तो सबसे पहला रीज़न जो है इसे यूज़ करने का वो है कि ये ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का ऑफिशियल बॉल है। यस, मैं सही बोल रहा हूँ, AIFF ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का ऑफिशियल बॉल निविया शाइनिंग स्टार है। आपने काफ़ी टूर्नामेंट्स देखे होंगे जो AIFF कंडक्ट करवाता है, ठीक है, उसमें 80-90% टाइम्स निविया शाइनिंग स्टार का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि ये जो फुटबॉल है निविया शाइनिंग स्टार, ये बहुत वर्सेटाइल फुटबॉल है। वर्सेटाइल फुटबॉल इन द सेंस कि ये जो फुटबॉल है ये हार्ड ग्राउंड में भी यूज़ किया जाता है, हार्ड ग्राउंड विदाउट ग्रास, उसके बाद वेट एंड ग्रासी ग्राउंड में इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आर्टिफिशियल टर्फ, जो आर्टिफिशियल टर्फ होता है वहाँ पे भी आप शाइनिंग स्टार को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा रीज़न है वो ये कि ये जो फुटबॉल है ये अपने शेप को मेंटेन रखता है थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन, यानी कि ये सर्कुलर ही रहता है जब तक ये पूरी तरीके से ख़राब नहीं होता। आपने ऐसे बहुत सारे फुटबॉल देखे होंगे जो 1 या 2 महीने के यूज़ करने के बाद वो ओवल शेप में हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कॉस्को, कॉस्को के बहुत सारे फुटबॉल हैं जो ओवल शेप में हो जाते हैं। उसके बाद निविया का ही एक फुटबॉल है ट्रेनर, निविया ट्रेनर, अगर आप उसे यूज़ किए होंगे तो आपके पास आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि वो जो फुटबॉल है कुछ दिनों के बाद ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो फुटबॉल है ये ओवल शेप में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता, ये अपना जो शेप है वो मेंटेन रखता है। तो ये अपना शेप कैसे मेंटेन रखता है उसका रीज़न हम आगे जानेंगे। अब चौथा जो फोर्थ क्वालिटी है जिसके वजह से ये बेस्ट है वो ये इसका मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी। ये जो फुटबॉल है ये बनकर आता है फ्री विल स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। जो फ्री विल स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है वो जनरली निविया के प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, निविया के प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे कि फुटबॉल शूज़ बैग्स एट्सेट्रा। और ये जो फ्री विल स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है ये जलंधर पंजाब में है, ठीक, और ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ऑफिशियली मतलब उसके जो प्रोडक्ट्स हैं यूज़ किए जाते हैं। जो फ्री विल स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसे 36 ईयर्स हो चुके हैं इंडिया में प्रोडक्ट्स बनाते हुए, तो इसका मतलब ये जो कंपनी है बहुत ट्रस्टेड कंपनी है। ये जो फुटबॉल है ये 32 पैनल हैंड स्टिच्ड कंस्ट्रक्टेड है। अब बात करते हैं इसके आउटर मटेरियल की। इसका जो आउटर मटेरियल है वो बना है सिंथेटिक रबर से। जिसे नहीं पता मैं क्लियर कर दूँ, सिंथेटिक रबर जो होता है वो एक आर्टिफिशियल इलास्टोमर होता है जो नेचुरल रबर की तरह होता है, ठीक है, उसको ऐसे बनाया जाता है कि वो नेचुरल रबर की तरह होता है। और इसका यूज़ सिंथेटिक रबर का यूज़ ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में बहुत यूज़ किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल में टायर्स, जो टायर्स बने होते हैं वो बने होते हैं सिंथेटिक रबर से। तो जो साइकिल के टायर हो गए, फिर बड़े बड़े ट्रक्स के टायर हो गए, वो सब बने होते हैं सिंथेटिक रबर से। तो सोचिए कि सिंथेटिक रबर जो है वो कितना अच्छा है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं कि टायर्स उससे बनते हैं। तो ऑफकोर्स सिंथेटिक रबर से ही बना है तो ये इसके जो आउटर मटेरियल वो अच्छा है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इसके अंदर क्वालिटी है, सिंथेटिक रबर से बना है तो इसके अंदर एक क्वालिटी ये है कि ये एब्रेशन रेजिस्टेंस है। एब्रेशन रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेसिकली कि इसमें जल्दी स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे और इसके जो रबर मटेरियल है, जो अपर का मटेरियल है, वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो सिंस ये एब्रेशन रेजिस्टेंस है और ये सिंथेटिक रबर से बना हुआ है, इसी रीज़न से ये जो इसका जो शेप है वो जल्दी ख़राब नहीं होता। ये अपना जो शेप है अपने लाइफ स्पैन, जब तक ये ख़राब नहीं होगा तब तक अपना शेप ये मेंटेन रखता है। अब बात करते हैं इसके लाइफ स्पैन की कि आप इसे कब तक यूज़ कर सकते हैं। आप इसे रेगुलर अगर खेलते हैं, रेगुलर अगर यूज़ भी करते हैं तो ये 7-8 मंथ्स चल जाता है मैक्सिमम। तो फ्रेंड्स, यही थे 4 रीज़न जिस वजह से आपको निविया शाइनिंग स्टार का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो फुटबॉल है ये ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का ऑफिशियल बॉल है। तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है कि कोई रीज़न होगा जिस वजह से आपको यूज़ करना चाहिए, बट मैंने तब भी आपको 3 एक्स्ट्रा रीजन्स बताए हैं जिसके वजह से आपको इसे यूज़ करना चाहिए। अब इसके कॉस्ट की बात करें तो ये 700-900 के बीच में आता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से शॉप से ले रहे हैं, ठीक, आप कौन से वेबसाइट से इसे खरीद रहे हैं। लेकिन इसका रिटेल प्राइस 1120 यानी कि 1120 रुपीज़ के आसपास है। इसके कलर वेरियंट की बात करें तो इसके 3 कलर वेरियंट हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहीं गई इमेज में, इसके 3 कलर वेरिएंट है और हर 2 या 3 साल में ये निविया शाइनिंग स्टार जो है अपने आप को अपग्रेड करता है, ठीक है। जैसे कि अभी 2020 में
एक निविया का नया फुटबॉल, निविया शाइनिंग स्टार का नया अलग अपग्रेड वर्जन आया हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहीं के, लेकिन मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है, मैंने पर्सनली निविया शाइनिंग स्टार को बहुत बार यूज़ किया हुआ है, ठीक है, उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है 2020 का, तो वाला मैंने यूज़ किया, और उसके बाद मैंने इसको भी काफ़ी बार यूज़ किया है, जो आई मीन निविया शाइनिंग स्टार जो मेरे हाथ में है, मेरा पर्सनली यूज़ किया हुआ है। दोनों में ये डिफरेंस है कि जो नया वाला अपग्रेडेड वर्जन है वो क्या है कि अच्छा फुटबॉल है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सारे निविया के शाइनिंग स्टार जितने भी अपग्रेडेड वर्जन सारे अच्छे हैं, लेकिन जब डिफरेंस है लाइफ स्पैन का, मैंने पर्सनली यूज़ किया है दोनों फुटबॉल को, तो डिफरेंस ये है कि जो मैंने अपग्रेडेड वर्जन है 2020 वाला, उसको मैंने जब यूज़ किया तो वो मैक्सिमम 2 से 3 मंथ्स ही चला, 2 से 3 मंथ्स तक चला, लेकिन ये जो फुटबॉल है मैंने पर्सनली इसे काफ़ी बार यूज़ किया, ये फुटबॉल है ये 6 to 7 मंथ्स चला पाए रेगुलर यूज़ में, ठीक है, 6 to 7 मंथ्स। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको निविया शाइनिंग स्टार यूज़ करना है तो आप ये वाला फुटबॉल यूज़ कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अपग्रेडेड वर्जन जो होता है वो अच्छा होता है, ठीक है, कभी कभी कुछ वर्जन ऐसे बन जाते हैं जिससे कोई नहीं पछाड़ सकता, तो ये जो फुटबॉल है मुझे नहीं लगता जो निविया शाइनिंग स्टार का जो नया वाला वर्जन आया वो इसे पछाड़ पाया अब तक, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेयर्स को यूज़ करते हैं और मैं भी इसे पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ, पसंद करता हूँ निविया शाइनिंग स्टार। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।